नमस्कार किसान भाइयों, मैं केबी बायो ऑर्गेनिक से कृषि विशेषज्ञ शिल्पी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने केबी बायो के इस YouTube चैनल पर विभिन्न प्रकार की खेती संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। आज की इस वीडियो में फफूंद से होने वाली बीमारियाँ रोग के बारे में हम जानने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि इन पर नियंत्रित कैसे पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमसे जुड़े हुए और हमसे आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फफूंद से होने वाली बीमारियां अन्य फसलों में आप बहुत तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, फफूंद नाशक का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर अगर मैं बात करूँ तो पत्तियों पर पड़ने वाले दाग धब्बे की समस्या, गलने सड़ने की समस्या, पाउडरी मिल्डीव की समस्या, डाईबैक की समस्या या फिर झुलसा रोग की समस्या, इन सभी के लिए आप बाजार में उपलब्ध बहुत सारे फफूंद नाशक का इस्तेमाल करते हैं। टमाटर और आलू की फसल में अगर देखें तो दाग धब्बे की समस्या, झुलसे की समस्या, जैसा कि आप सभी को पता है अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट यानी अगेती और पछेती झुलसा, इन सभी बीमारियों से नियंत्रण पाने के लिए आप ना जाने अन्य कितने फफूंद नाशकों का स्प्रे करते हैं। चिली में अपने डाईबैक यानी मिर्ची में डाईबैक की समस्या या फिर पाउडरी मिल्डीव की समस्या, ये समस्याएं आपको सब्जियों के साथ साथ फल में भी देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में, आप अगर स्प्रे करते हैं, पहला स्प्रे करेंगे या फिर दूसरा स्प्रे करते हैं फफूंद नाशक का, इससे इसके परिणाम क्या रहता है कि स्प्रे करने के बाद में ये फफूंद बहुत ही जल्दी रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है। लेकिन हमारे पास में आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फफूंद नाशक फंगोरेस के बारे में बताने वाली हूँ। केबी बायो का फंगोरेस 5 मार्कर कंपाउंड से मिलकर बनाया गया है, यानी कि अगर आप इसका एक या दो बार संक्रमण के हिसाब से भी स्प्रे करते हैं तो रेजिस्टेंट डेवलप नहीं होता है, जैसा कि आमतौर पर फफूंद नाशक में देखा गया है। तो आइए जानते हैं कि केबी बायो का फंगोरेस कार्य कैसे करता है। अगर हम इसकी कार्य प्रणाली की बात करें तो ये सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करता है, यानी स्पर्शनीय और प्रणालीगत दोनों तरीके से ये प्रभावी तरीके से फंगस से होने वाली बीमारियों से बचाता है और फसल में आगे जाके संक्रमण को बढ़ने नहीं देता है। अगर मैं कॉन्टैक्ट के बारे में बताऊँ, अगर आपकी फसल में संक्रमण बहुत ही ज़्यादा है और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिले तो ये कॉन्टैक्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर मैं सिस्टमिक की बात करूं तो इसके लिए अगर आप प्रिवेंटिव तौर पे इसका इस्तेमाल करते हो, यानी कि संक्रमण से पूर्व अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो लंबे समय तक के लिए आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं और आने वाले समय में फफूंद की संक्रमण से आपकी फसल में बचाव भी दिखेगा आपको। आगे चलते हुए हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव की, तो हम दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर में अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो आपको 1 से 1.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना रहेगा। अगर जैसे जैसे आपकी फसल की अवस्था बढ़ती है, अगर संक्रमण भी बढ़ता है तो उसके हिसाब से आप क्यूरेटिव मेजर में इसकी मात्रा 2 से 2.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी के लिए एक खास सुझाव, जैसा कि केबी बायो का फंगोरेस अगर आप प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ अपने फल की यानी अनार सेब बाकी फसलों की, तो इसमें देखा जाता है कि आगे चल के आपको दाग धब्बे की समस्याएं आती हैं। अगर आप क्यूरेटिव तौर पे इसका इस्तेमाल करते हो तो फफूंद का फैलाव तो नहीं होगा, लेकिन आगे चल के आपको उतनी बढ़िया मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी उन फलों की। इसके लिए अगर आप प्रिवेंटिव मेजर में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में संक्रमण फैलेगा भी नहीं, ये दाग धब्बे की समस्या आएंगे भी नहीं, जिसकी वजह से बाकी दवाओं का आपका खर्चा भी स्प्रे का बचेगा और साथ ही साथ में मार्केट वैल्यू भी आपको बढ़िया मिलेगी। तो आगे चल के इससे आपका ही लाभ होने वाला है। तो मेरी तरफ से आपके लिए ये सुझाव है कि ये वाला अपना फंगोरेस ज़रूर इस्तेमाल करें और आगे चल के आपको कोई भी समस्या आती है तो हमसे ज़रूर जुड़े रहें। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इससे जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने खरीदारी की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर जाके डायरेक्ट खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप सब में से कोई भी हमारे चैनल के लिए नया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। आप सभी ने अपना इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।